हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि लोग बहुत से लोग जो है वो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होने जरूरी है। क्योंकि वो गाड़ी तो ले लेते हैं और बाद में फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। उससे ना तो गाड़ी ट्रांसफ़र करा पाते हैं और कई बार ऐसे ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं कि उसके उन पर चलान होते हैं, कोई किस पर केस रजिस्टर्ड होते हैं या फिर किसी के डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए मैं आपको ये छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। आपको मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये आप डॉक्यूमेंट हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाए। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है, आपको आरसी चेक करनी है कि उसकी आरसी जो ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि ओरिजिनल आरसी जो है वो किसी भी गाड़ी को ट्रांसफ़र के लिए जमा करनी होती है अथॉरिटी के अंदर। सेकेंड चीज़ आती है, आपका इंश्योरेंस होनी चाहिए गाड़ी का, क्योंकि अब अथॉरिटी ने आरटीओ ने अभी ये कंपल्सरी कर दिया है कि विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी सेकंड पर्सन की। तो आपका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, किसी कंपिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए, तो चेक कर ले कि इंश्योरेंस उसका वैलिड है या नहीं है। थर्ड चीज़ आती है आपका पोल्यूशन, कि आपका पोल्यूशन जो है वो होना चाहिए गाड़ी का, जैसे कि 2012 से जो ऊपर गाड़ियाँ हैं, ये आप ध्यान रखें कि 2012 से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए एक साल का पोल्यूशन हो जाता है, और उससे जो नीचे गाड़ियाँ हैं वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली NCR से बाहर जाते तो 6 महीने के लिए कुछ वैलिड होता है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैलिड है, लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए, सॉरी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट रहता है आपका NOC। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मीन्स अगर उस पर आप चेक कीजिए कि उस पर HP चढ़ी है, हाइपोथिकेशन अगर उस RC के ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब उस पर किसी ने लोन लिया हुआ है, तो ये आप जरूर चेक करें कि गाड़ी पर कभी लोन तो नहीं है। अगर उस पर लोन है, क्या वो लोन चुका दिया है? अगर वो नहीं चुका है, अगर उस पर HP शो कर रहा है तो आपको उसके लिए लोन भी दे दिया और तब भी HP शो कर रहा है तो आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट NOC जो है आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर उस पर HP है। तो जो कि आपको बैंक से मिलेगी, मान लीजिए जिसकी गाड़ी है अगर उसको NOC चाहिए, उसने सब कुछ लोन क्लियर कर दिया फिर भी HP शो कर रहा है, तो उसके अपने जिस बैंक से उसने लोन अप्लाई किया था उस बैंक में जाना है और उसमें एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो उसका प्रोसेस होता है जो कि अलग अलग बैंक का अलग अलग डेज तक होता है, 2 से लेकर 15 दिन के अंदर आपको NOC मिल जाएगी, तो NOC के थ्रू आप उससे जो है गाड़ी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा आता है आपको चलान चेक करना है कि अभी आप किसी गाड़ी पर कोई चलान तो नहीं है। आप परिवहन ऐप के थ्रू या परिवहन के आप जाके जो आप चेक कर सकते हैं कि भाई इस गाड़ी के ऊपर कोई चलान या कोई केस या कुछ रजिस्टर्ड तो नहीं है। आप किसी भी गाड़ी को लेने से पहले ये ज़रूर चेक करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके अब जो कि आप आने वाले टाइम पर कंपलसरी होने जा रहा है HSRP प्लेट, तो HSRP प्लेट के प्लेट भी होनी चाहिए, प्लस उस पर जो स्टिकर होता है कि पेट्रोल है या फिर आपका डीजल है वो भी आप चेक करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीज़ें भी अब कंपलसरी हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका 2930 फॉर्म, जो कि आजकल आप जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो आप ऑनलाइन डालेंगे तो ऑनलाइन जनरेट हो जाते हैं, उसमें जिसमें कि आपको उनके साइन चाहिए। 2930 फॉर्म आप याद रखें तो उस पर उनके साइन चाहिए होंगे और आपके साइन चाहिए होते हैं, प्लस जो आपसे गाड़ी सेल कर रहा है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कि साइंड हो, ये आप ध्यान रखें, ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होंगी, और आपका आधार कार्ड जो गाड़ी को ख़रीद रहा है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उस दौरान ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बिना आप गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है किसी भी सेकेंड हैंड गाड़ी को लेने से पहले, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है और विदाउट पेपर आप गाड़ी से फंस जाएंगे, ना ही आप उसको आगे सेल कर पाएंगे, ना ही आप कुछ कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिए किसी भी गाड़ी को, किसी भी ओल्ड गाड़ी को लेने से पहले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।